नमस्कार, मैं हूँ भारती। स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल को कैसे यूज किया जाता है। टेबल ऑप्शन समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझ लेना बहुत जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस ऑफिस एक पैकेज बनाया है जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक आदि आते हैं। इसमें एमएस का मीनिंग माइक्रोसॉफ्ट से है। जब भी हम कोई वर्क कंप्यूटर पर करते हैं तो उस वर्क को देखते ही हमें यह निर्णय ले लेना होता है कि यह वर्क हम किस में करेंगे, एक्सेल में करेंगे, पावर पॉइंट में करेंगे या एमएस वर्ड में करेंगे। यदि हम प्रेजेंटेशन का वर्क करना चाहते हैं तो वो हमें करना होता है पावर पॉइंट में। इस तरीके से हमें पावर पॉइंट में वर्क करना चाहिए प्रेजेंटेशन का वर्क। और यदि हमारे पास कोई ग्राफिक वर्क है या कैलकुलेशन वर्क है या कोई टेबल वर्क इस टाइप से बनानी है तो हमें उसको एक्सेल में करना चाहिए। लेकिन यदि हमारे पास कोई रनिंग टेस्ट है और रनिंग टेस्ट के साथ हम कोई टेबल भी बनाना चाहते हैं तो वो हमें वर्ड में बनाना चाहिए। वैसे बेसिकली रनिंग टेस्ट के लिए एमएस वर्ड काफ़ी बेहतर है। तो आइए जानते हैं एमएस वर्ड में टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है। मुख्यतः एमएस वर्ड में 5 तरह से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट टेब पर जाना है। यहाँ पे आपको टेबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसे जब हम ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इन ब्लॉक्स के थ्रू हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ आपको जैसे जैसे आपका कर्सर इन ब्लॉक्स पर जाता है तो एक पीछे एक टेबल बनती हुई नज़र आती है। इसमें कुछ रो और कॉलम मर्ज किए जाते हैं, उसके थ्रू हम टेबल बना सकते हैं। जैसे यदि हम इनमें हॉरिजेंटल तरफ जाते हैं तो ये बन जाते हैं आपके कॉलम, और अगर आप वर्टिकली आते हैं तो ये बन जाते हैं रो। कितने रो और कॉलम की हमें टेबल बनानी है उतने आप इन ब्लॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऊपर आपको कुछ डिजिट भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आप जैसे जैसे आप कर्सर ले जाते हैं तो ऊपर टेबल जितने रो और कॉलम आप उसमें बना रहे हैं तो वो नंबर आ जाता है। पहले शो होता है आपका कॉलम, यानी 4x3 लिखा हुआ है, तो यानी 4 उसमें आपके पास कॉलम बन रहे हैं और 3 उसमें रो बन रही है। जितने रो और कॉलम की आप टेबल बनाना चाहते हैं उतने रो और कॉलम की आप टेबल बना सकते हैं इस तरीके से। पहला तरीका तो ये हुआ। इसके अलावा जैसे हम दूसरा तरीका देखते हैं टेबल इंसर्ट करने का, तो इंसर्ट टेब पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे। यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको कोई बड़ी टेबल बनानी है जिसमें रो और कॉलम आपको ज़्यादा लेने हैं तो आप इंसर्ट टेबल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने लेने, यानी कॉलम कितने बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 10, तो हमें कॉलम बनाने हैं। और रो कितनी बनानी है, जैसे 15 रो बनानी है हमको, तो हम 10x15 की एक टेबल बना सकते हैं। इसमें नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं फिक्स कॉलम विथ, ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो। तो आपको ऑटो फिट टू विंडो वाला ऑप्शन लेके आपकी एक टेबल बनानी चाहिए। इस तरीके से 10x15 की एक टेबल इंसर्ट होती है। इसके अलावा अगर हमें कुछ टेबल ऐसी बनानी होती है कि जिसमें हमारे पास रो और कॉलम की विड्थ और हाइट अलग तरह से सेट करनी है अपने डेटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे आपको यहाँ पे सेल दिखाई दे रहे हैं, तो हमें अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए आप यहाँ पे ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल से एक पेंसिल टूल दिखाई देता है, इसके थ्रू आप अपनी टेबल बना सकते हैं। जैसे आपको रो और कॉलम की हाइट और विड्थ बढ़ानी है, कम करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं कि कितने रो और कॉलम आपको बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रो और कॉलम बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी टेबल को खुद ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा और भी ऑप्शन आपको इसमें दिखाई देंगे, जैसे इंसर्ट में टेबल में एक्सेल की स्प्रेडशीट। अगर एक्सेल का वर्क आपको वर्ड में ही करना है, रनिंग टेस्ट के साथ आपको एक्सेल की शीट लेनी है, तो आप एक्सेल की स्प्रेडशीट को यूज़ कर सकते हैं। इससे एक एक्सेल की शीट इंसर्ट हो जाती है, ऊपर सारा फॉर्मेट भी आपको एक्सेल का ही दिखाया जाएगा। यानी आप वर्ड में एक्सेल का वर्क करना चाहते हैं विथ रनिंग टेस्ट के साथ तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बनी बनाई कुछ टेबल भी यहाँ पे दी गई होती है टेबल में क्विक टेबल के नाम से, यानी कुछ बनी बनाई टेबल्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है।
आपको अगर कैलेंडर वगैरह कुछ बनाना हो तो उसके लिए आप इन टेबल को यूज़ कर सकते हैं। इसके फॉर्मेट को यूज़ किया जा सकता है, अलग अलग टाइप से आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रही है। इस टाइप से आप डायरेक्टली उसको क्लिक करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाती है। इसमें अपना डेटा जो भी ऐड करना है, इस डेटा को यहाँ से आप रिमूव करके अपना कोई भी डेटा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी डेटा आप ऐड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना डेटा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, जब भी हमने कोई भी टेबल इंसर्ट करते हैं तो हर टेबल के ऊपर आपको ये आइकन दिखाया जाता है। इस टाइप से इस आइकन का ये मतलब होता है कि आपने अगर अपनी टेबल सेलेक्ट करना है तो यहाँ से टेबल सेलेक्ट की जा सकती है। जैसे हमें कोई भी टेबल अगर डिलीट करनी हो तो डिलीट कैसे करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे अपनी टेबल रखा हुआ है, कर्सर उस टेबल के अंदर है और हमने डिलीट की प्रेस किया कीबोर्ड से तो वो डिलीट नहीं होती है। तो इसको डिलीट करने के लिए आप इस आइकन पे अपना कर्सर रखें और उसको सेलेक्ट करें। इस तरीके से आपकी टेबल सेलेक्ट होती है, लेकिन फिर भी ये डिलीट की से डिलीट नहीं होकर बैक स्पेस से डिलीट होती है। तो जैसे ही आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये डिलीट हो जाती है। टेबल को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए टेबल का नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें जिनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ।